आज हम सीखेंगे माइक्रोवेव और ओटीजी कैसे हैंडल करते हैं, और ये भी सीखेंगे बिना माइक्रोवेव और ओटीजी के कैसे बनाएंगे। मैं हूँ शेफ मीरा, स्वागत करती हूँ आपका व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल पर। यह है ओटीजी, मॉर्फी रिचर्ड का ओटीजी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ओटीजी कौन सी कंपनी का है, चाहे मर्फी रिचर्ड्स का हो, बजाज का हो, पैनासोनिक का हो, सब एक ही तरह से फंक्शन करते हैं। ये आप पैनल देख रहे हैं, ये टेम्परेचर का पैनल है, जैसे 120, 160, 200। अब हम इसे 180 पर सेट करेंगे। मैंने 180 पर सेट कर दिया है और ये बोथ रॉड पे मैंने इसे इस नॉब को कर दिया है। हमने इसमें मिडल रैक में ये वायर रैक रख दिया है और इसे बंद कर देंगे। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। जैसे जनरली सबके ओटीजी में 20, 40, 60 लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे यहाँ पर देख लेंगे, जैसे ये डॉट्स बने हुए हैं, तो 3 डॉट्स पर लाकर इसे आप प्री हीट करेंगे। जब हमारा ओटीजी प्री हीट हो जाए तो हम केक टिन को इसके अंदर रख देंगे इस तरह से, और 20 मिनट्स के लिए हम इसे लगा देंगे। जब 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाएँ तो ओटीजी को हम लो रैक पर शिफ्ट कर देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम दोबारा बेक करने के लिए रख देंगे। ये हमारा माइक्रोवेव एलजी का है। आप कोई भी माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो 26 लीटर से कम नहीं होना चाहिए और उसमें कन्वेक्शन होना चाहिए। कन्वेक्शन, माइक्रोवेव और ग्रिल, ये सारे ऑप्शंस अलग अलग होने चाहिए, जो बेकिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने ये ग्रिल वायर रैक रख दिया है, इसे ग्रिल स्टैंड भी कहते हैं, और इसे हम रख कर प्री हीट करेंगे। अब आप इसमें ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, कन्वेक्शन का ऑप्शन अलग है, माइक्रोवेव और ग्रिल। बेकिंग के लिए कन्वेक्शन ऑप्शन अलग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम केक बेक करेंगे तो हम कन्वेक्शन ऑन करेंगे, 180 डिग्री आ जाएगा इसमें, और स्टार्ट बटन दबाएंगे, प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। ये माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर केक टिन इस तरह से रख देंगे, और जैसे मान लो हमने केक 28 मिनट्स पर लगाना है, कन्वेक्शन 180 डिग्री पर है, 20 प्लस 8 मिनट्स और लगा लेंगे, 28 मिनट्स टोटल टाइम है, और इसे ऑन कर देंगे और 28 मिनट्स में केक हमारा डन हो जाएगा। ये मैंने कढ़ाई ली है, ये इसका ढक्कन है, और मैंने इसके अंदर इतना सॉल्ट डाल दिया है, और ये स्टैंड है। इस तरह से इसे रख कर हम गैस पर लगभग 5 मिनट के लिए इसे गर्म करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है और इस पर हम ये कढ़ाई इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, दोबारा बता दूँ, इसमें नमक है और ये स्टैंड है, और इसे ढक्कन लगाकर सिम पर इसे हम 5 मिनट तक के लिए प्रीहीट करेंगे। कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। इसके अंदर हम इस तरह से टिन रख देंगे केक का, और इसे ढक्कन लगाकर इसे भी हम लगभग 45 मिनट्स तक केक को बेक करेंगे। आप कढ़ाई में केक कैसे बनता है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। प्लम केक की रेसिपी है, वो मैंने कढ़ाई के अंदर ही बनाया है। चलिए दोस्तों, आज बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।